Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the vlog. So, आज का vlog बहुत different है, बहुत ज़्यादा different है. उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हेयरस्टाइल को क्या हुआ है. तो ऐसा हुआ था कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैं अपने बालों को सुरक्षित ताले मेरे बाल बनाने के लिए छोटे छोटे काट दिया था और मैं सोचा था ऑयलिंग ऑयलिंग करके एकदम इसको बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे. मुद्दे की बात पे आते हैं. सो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं पुणे से भुवनेश्वर ट्रैवल करने वाला हूँ वाया हैदराबाद. और इस पैंडेमिक के टाइम पे ट्रैवल करते वक्त आप लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा. सो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैं पुणे से जब पुणे एयरपोर्ट पर जब गया था तो मैं सोचा था वहाँ से ही वीडियो स्टार्ट करूँगा. लेकिन क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि मैं कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, तो उसके लिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाया. तो अभी मैं भुवनेश्वर पहुँच चुका हूँ. मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से, अगर आप पुणे से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो पुणे में ओला उबर तो चल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि तो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड ऑटो हैं कुछ कुछ जिनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप उस नंबर को व्हाट्सएप करके ऑटो बुक कर सकते हो. वंस आप एयरपोर्ट पे आ जाते हो तो सबसे पहले आपका बैग सैनिटाइज किया जाता है, आपका टेम्परेचर चेक होता है, आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना आरोग्य सेतु ऐप दिखाए आप अंदर नहीं जा सकते हो. फिर आपका आईडी चेक करते हैं, बोर्डिंग पास चेक करते हैं, उन सब चीज़ों के बाद फिर आप अंदर जाते हो. सो अंदर जाते ही आप देखोगे कि बहुत लंबी लाइन लगी होगी. मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ क्या होगा लेकिन मेरे टाइम पे बहुत लंबी लाइन लगी थी और मुझे तकरीबन 40-45 मिनट लग गया था उस लाइन में बैग ड्रॉप करने के लिए. सो फाइनली 40-45 मिनट का सफर तय करने के बाद आप जाओगे बैग ड्रॉप करने के लिए. तो बैग ड्रॉप करने पे आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. जैसे बैग ड्रॉप जब हम लोग करते थे तो हमारे बैग पे एक स्टिकर लगाया जाता था. सो अब वो स्टिकर वो लोग नहीं लगाते हैं. इनफैक्ट क्या होता है, जब आप वेब चेक इन करते हो तो आपके को एक वो बैग ड्रॉप का जो है टैग बैग टैग जो है आपका वो आपको ईमेल कर दिया जाता है. आप उसको प्रिंट करके अपने बैग पे पेस्ट कर सकते हो, अच्छे से A4 साइज पे प्रिंट करके पेस्ट कर सकते हो. और किसी किसी एयरलाइन में कैसा है कि वो लोग बैग टैग जो है आपको मेल नहीं करते हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि QR कोड आपको भेज देते हैं. तो आप अपने फोन में QR कोड लेके एयरपोर्ट पे जा सकते हो, वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो स्कैन करके. सो इजी. सो अभी जब आप बैग ड्रॉप कर रहे होगे तो आपको तीन चीजें प्रिंट आउट करके लानी है. सबसे पहले आपका बोर्डिंग पास, फिर आपका बैग टैग, और उसके साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी प्रिंट करना है जो कि आपको बोर्डिंग पास के साथ में ही मिलेगा. उसमें बस डिटेल्स रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या है, वो सब चीज़ें. और एक चीज़, आप जिस भी स्टेट पे जा रहे हो उस स्टेट का एक बार रूल देख लेना. उनके पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है, तो उस पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो उसका जो लास्ट पेज आएगा उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. आप उसका भी स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी लेके फोन में रखना क्योंकि एयरलाइन वाले पूछते हैं कि आपने रजिस्टर किया है या नहीं एंड वो प्रूफ मांगते हैं. मेरे से नहीं मांगा था उन्होंने, बट पूछे तो मांग भी सकते हैं. सो ये तीन चीज़ें आप लोगों को प्रिंट करना बहुत जरूरी है. सिक्योरिटी चेक वगैरह करने के बाद फाइनली मुझे तसल्ली मिल गई थी कि मैं लेट नहीं हुआ. तो उसके बाद से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था. अभी जो आप वीडियो देखोगे तो वो ऐसा है कि मैं पुणे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक वगैरह करके बैठा हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो भी तीन दिन का सेट रहता था ना, उन सब के बीच में ऐसा लिख दिया गया यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है बैठना, और ऐसा हर जगह किया गया. और काफ़ी खाली है एयरपोर्ट आज. देख रहा हूँ मैं मस्त बैठा हूँ राजा महाराजा जैसा यहाँ पे. A few moments later. अभी भी उन्होंने ये ला कर दिया मुझे. इसमें सैनिटाइज़र है और एक मास्क है. जिनका भी मिडिल सीट होता है उन लोगों को ये जो ब्लू वाला PPE किट टाइप का जो रहता है, बाकी लोगों उन लोगों को ये हेड गियर दिया जाता है. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side. Good evening, ladies and gentlemen. This is your first officer speaking. My name is Krishna. On behalf of the Commonwealth Flight, Captain Sumit Jain and the crew, I'd like to extend a warm welcome on board Indigo Flight 6587 flying to Hyderabad. Flight time for Hyderabad is 50 minutes. We should be cruising at 33,000 feet. Sit back, relax and enjoy the Indigo experience. Thank you for choosing to fly with us. Ladies and gentlemen, we have arrived in Hyderabad. You are free to use your mobile phones now. I just landed in Hyderabad and अभी मैं जा रहा हूँ domestic transfer के लिए. एंड यहाँ पर मेरा 5 घंटे का ले ओवर है. उसके बाद फिर हैदराबाद ये भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट है. हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे एंड इधर ही बाजू में यहाँ पर domestic transfer का है. वहाँ पर मैं एक्चुअली 1 बजे आकर बैठ गया था एंड अभी 2:30 हो रहा है. तो अभी हमें बताया गया कि वो वहाँ से नहीं जा सकते, वो बंद है. सो हम लोगों को अब वापस से बाहर निकलना होगा एयरपोर्ट से एंड अंदर आना होगा. सो एयरपोर्ट से बेसिकली बाहर जाना होगा हम लोगों को एंड उसके बाद सब कुछ करना होगा.
चलो चलते हैं। फाइनली सिक्योरिटी एंड ऑल सब कुछ हो गया है। कितना खाली लग रहा है यार एयरपोर्ट, बहुत मतलब अजीब सा ही लग रहा है, मतलब कोई है ही नहीं। देखो आसपास आके कोई नहीं है, नहीं तो यहाँ पे अक्सर लोग बाग हुआ करते थे, कोई ना कोई तो रहता ही था। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना। थैंक यू भुवनेश्वर 635 गेट नंबर। ओके गाइस, तो बहुत मेहनत के बाद वापस से मैं सब कुछ सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करके मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ अपने गेट के पास। सो अभी 2 बज रहे हैं, मुझे और 3-3.5 घंटा यहाँ पे बैठना है और मुझे नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ लोग सूट फ्री में क्या बांटने लगे, लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। क्या होगा इस देश का। Alright, so इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद फाइनली हम भुवनेश्वर पहुंच चुके। एंड उसके बाद हमारे सामने एक और कठिनाई आई कि हमारा GoPro काम करना बंद कर दिया, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे वहाँ पहुँचने के बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मैं जब भुवनेश्वर लैंड किया तो वो आप लोगों का बस वही टेम्परेचर चेक करते हैं एंड फिर आपके आपसे एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ भुवनेश्वर में कहाँ पे रहोगे एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब आपको फिलअप करना होगा। एंड कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के साथ ऐसा, मैं अपने फ्रेंड्स को पूछा तो किसी किसी के साथ क्या हो रहा है कि एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उनको, वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में पास में कोई एक सेंटर है वहाँ पे जाके रजिस्टर कराना होता है। सो आप अपने नोडल ऑफिसर को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि कहाँ पे जाना है, वो आपको बता देगा कौन से सेंटर पे जाना है, वहाँ जाके रजिस्टर आप करा सकते हो। एंड फिर एयरपोर्ट पे आपको ये स्टैम्प लगाते हैं जो कि जिस पे डेट वगैरह मेंशन किया है एंड होम क्वारंटीन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मेरा थोड़ा सा फेड हो गया क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए। उसके साथ आप लोगों को एक स्टिकर भी दिया जाता है, तो उस स्टिकर पे लिखा होता है दिस हाउस इज अंडर होम क्वारंटीन। तो वही चीज़ है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है एंड ये वीडियो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह ट्रैवल कर रहा है या फिर आपके फैमिली में कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़।